जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बैल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ही हाथों के अंदर बहुत पावर होती है मगर हम उनसे अनजान होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी के पांव छूते हैं या कोई हमारे पांव छूता है तो हम उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और हमारे ही हाथों के अंदर बहुत सारी एनर्जियां होती हैं, पॉजिटिव एनर्जियां होती है। जिनकी सोच गलत होती है, नेगेटिव सोच होती है, तो नेगेटिव एनर्जियां को वो अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जियां ही ट्रांसफ़र करते हैं। और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं और हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, या फिर हमारे को सही गलत का नहीं पता होता है। और जब सही गलत का नहीं पता होता है तो गलत डायरेक्शन के अंदर हम चले जाते हैं और गलत गोल प्राप्त कर लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। या फिर हम दूसरों की राय लेते हैं कि भाई जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं जो जॉब करने के लिए जा रहा हूँ क्या ये सही है, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो कैसे हम दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी तो आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, इसी के ऊपर है कि कैसे हम अगर कहीं अटक जाते हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी शक्तियाँ, ऐसी कौन सी पावर है हमारे पास में कि हम जो डिसीज़न लेने के लिए जा रहे हैं वो डिसीज़न बिल्कुल सही हो। जी हाँ, हमारे ही हाथों के अंदर, हमारे ही हाथों के अंदर बहुत पावर है। सारी दैविक शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की, वो हमारे हाथों के अंदर है। जब हम किसी को आशीर्वाद दे करके उसका भला कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपके पास में कितनी दैविक शक्तियाँ हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप परेशान हो जाते हैं और कोई महत्वपूर्ण डिसीज़न लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ ये दो फिंगर का आप इस्तेमाल करिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी आप अटकते हैं, ये दो फिंगर क्या है? ये शनि की फिंगर है और ये जुपिटर की फिंगर है। शनि क्या है? न्याय। जो भी अगर हम गलत करते हैं तो हमारे को उसकी सज़ा मिलती है, जो हम सही करते हैं उसको हमारे को बेनिफिट मिलता है। और जुपिटर हमारे को मार्गदर्शन कराता है, ज्ञान देता है हमारे को, जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक है। और शनि न्यायप्रिय है। तो ये जो दो फिंगर हैं, ये दो फिंगर हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब भी हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं इन दो फिंगर का आप इस्तेमाल करिए। ये मैंने बहुत बार इस्तेमाल करा है और आई गॉट वेरी गुड रिज़ल्ट। तो मैंने सोचा कि इस तरीके के आपको मैं वीडियो बना करके दूँ ताकि आप अपने जीवन के अंदर भी बदलाव लेकर के आ सकें। ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर अटकते हैं तो वहाँ पर आपको सही डिसीज़न आपको मिल पाए। अब आपने करना क्या है, 10 बारी आपने सांस लंबी लेनी है और छोड़नी है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है। जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो पावरफुल और स्थितिज हो जाएगी, मतलब रिलैक्स के अंदर आ जाएगी। जब वो रिलैक्स के अंदर आ जाएगी तो आपने ये दो फिंगर जो है आपने, और अपनी कमर की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। रखने के बाद में ये जो दो फिंगर हैं आपने अपनी थर्ड आई के ऊपर रखना है। जी हाँ, हर इंसान की थर्ड आई खुली भी होती है क्योंकि हम अलाइव हैं, हम जीवित हैं, इसलिए हमारी ये आँख खुली होती है। लेकिन क्या होता है, हम इसका इतनी सारी चीज़ें हम उसके ऊपर रद्दी भरते चले जाते हैं तो ये आइज़ जो है ना खुली तो रहती है लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हम भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी रोशनी, इसकी पहचान हमें नहीं हो पाती है। तो अब आपने क्या करना है, ये दो फिंगर लेनी है, अपने थर्ड आई के ऊपर आपने रखना है। जो भी आपके मन के अंदर है, जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, पहले अपने आप को अपने 10 सांसें लेकर के आपने अपने आप को रिलैक्स किया, उसके बाद में दोनों फिंगर्स को आपने अपनी थर्ड आई के ऊपर रखा। और जो भी आपकी है, जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर का नाम लेना है, जैसे ओम नमः शिवाय,
ओम हनुमते नमः श्री राम तीन बारी आपने नाम लेना है, और नाम लेने के बाद में आपने फील करना है कि जो सांस चल रही है वो आपकी फिंगर से टच होकर के आपके थर्ड आई से अटैच हो रही है। उसके बाद में आपने अपनी जो भी आपकी है कि मेरे पास में दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, आपने ये दो फिंगर रखी और पूरा ध्यान जो है सिर्फ़ इस फिंगर के ऊपर और अपने थर्ड आई के ऊपर रखा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, आपने उसके बारे में सोचना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपने ध्यान दें, आपने ये बोलना है कि मेरे को कुछ ऐसा नज़र आए जिससे मेरे रास्ते जो है मेरे को पता चले कि हाँ मैं ये सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आप कमाल, मतलब इतना कमाल का ये टेक्निक है, इतनी कमाल की टेक्निक है कि आप लगातार इसको अगर करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट 7 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट, उसके अंदर आप कौन से डायरेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं या तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा या वहीं से ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। रीज़न क्या है, अब आत्मा परमात्मा जो आपकी सोल है और जो आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपकी सोल आपकी आत्मा आपको बताएगी कि ये सही डिसीज़न है, इस डिसीज़न के ऊपर जाओगे तो इसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये करके देखिए, कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। और करने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट मिला है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप पे विश्वास करिए और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। जय श्री राम।